नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेतीगाड़ी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावर गुरु सीरीज में एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स की। आप सभी जानते हैं कि ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक्स हर तरह का इम्प्लीमेंट चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है और इस हाइड्रोलिक्स की काफी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोलिक्स की आखिर सेटिंग कैसे करनी चाहिए, किस हिच पॉइंट में हमें कौन सा इम्प्लीमेंट चलाना चाहिए, ADDC कैसे यूज करना है, साथ पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल की सेटिंग्स अलग अलग कंडीशंस में कैसे रखनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट लॉक को कैसे यूज करना है। इसी के साथ हाल ही में आई तकनीकें जैसे कि MQRL, लिफ्टोमैटिक, EQRL, ये तकनीकें आखिर क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किस हिच पॉइंट में किस इम्प्लीमेंट को लगाना चाहिए। आमतौर पर हर ट्रैक्टर में आपको 3 सेंसिंग पॉइंट मिल जाते हैं, जिसमें से एक बहुत कम सेंसिंग वाला होता है, एक नॉर्मल सेंसिंग वाला होता है और एक सबसे ज्यादा सेंसिंग देता है। सेंसिंग यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में आपको एक सेंसर मिलता है जो आपके हाइड्रोलिक्स ने कितना वजन उठाया है या फिर उस पर कितना लोड आ रहा है, ये सेंस करता है। चलिए बात करते हैं इम्प्लीमेंट्स की। तो रोटावेटर और प्लाव जैसे हैवी इम्प्लीमेंट्स आमतौर पर रफ काम करते हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट्स आपको लेस सेंसिंग पॉइंट में लगाने चाहिए। अगर आप ये इम्प्लीमेंट भी ज्यादा सेंसिंग वाले पॉइंट्स में लगाते हो तो रोटावेटर की वजह से आपका हाइड्रोलिक सेंसर खराब हो सकता है, जिसको चेंज करवाना या बदलवाना आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है। साथ ही ये पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को भी काफी नुकसानदायक है। बात करें अगर सीड ड्रिल की, यानी जिससे आप बीज लगाते हो, तो ये सीड ड्रिल आपको हमेशा ही ज्यादा सेंसिंग वाले पॉइंट में लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी उबड़ खाबड़ जमीन पर भी ये अच्छे से बुवाई कर सके। साथ ही सीड ड्रिल चलाते वक्त ये बात जरूर याद रखें कि आपकी सीड ड्रिल की जो लोअर लिंक है उसकी जो फ्लोट पोजीशन है वो हमेशा वर्टिकल यानी स्टैंडिंग पोजीशन में हो, जिससे होगा ये कि आपके सीड ड्रिल और अच्छे से काम कर सकेगा। साथ ही बात करें अगर कल्टीवेटर जैसे इम्प्लीमेंट की, तो ये आप नॉर्मल सेंसिंग पॉइंट में भी लगा सकते हो। साथ ही अगर आपको किसी अपने इम्प्लीमेंट की हाइट भी बढ़ानी हो तो भी आप वो इम्प्लीमेंट नॉर्मल सेंसिंग पॉइंट में लगा सकते हो। तो भाई, आपके पास तो 3 हिच पॉइंट्स है, तो उनमें से कौन सा पॉइंट में सबसे ज्यादा सेंसिंग है और कौन से पॉइंट में सबसे कम सेंसिंग है, ये हमारे किसान भाइयों को कैसे पता चले, आइए मैं बता देता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले एक जरूरी बात याद रखें कि तीनों भी सेंसिंग पॉइंट्स में से किसी एक सेंसिंग पॉइंट में आपको बाहर से एक सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, तो वो आपका होगा सबसे ज्यादा सेंसिंग वाला पॉइंट। साथ ही सभी कंपनियों में आपको अलग अलग तरह का सिस्टम दिखेगा, जैसे कि कुछ ट्रैक्टर में सबसे ऊपर वाला जो हिच पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिंग देता है। ऊपर के पॉइंट में सबसे ज्यादा सेंसिंग देने वाली कंपनियां हैं सोनालिका, स्वराज, मैसी फर्ग्यूसन, न्यू हॉलैंड, आइशर और महिंद्रा की नोवो सीरीज। वहीं सबसे लास्ट वाले होल में सबसे ज्यादा सेंसिंग देती है जॉन डियर, कुबोटा और महिंद्रा की DI सीरीज। वहीं बात करें अगर सबसे प्रचलित ADDC यानी ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल की, तो भाई ये सुविधा आपके लिए दी गई है ताकि जब भी आप कुछ प्लगिंग कर रहे हो या फिर कल्टीवेटर चला रहे हो और आपका ट्रैक्टर नीचे फंस जाता है, तो ADDC की मदद से ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक्स वो सेंस करती है और इम्प्लीमेंट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और जब रास्ते में आया हुआ स्टबल चला जाता है तो फिर से वो अपनी गहराई ले लेता है। भाई ये टेक्नोलॉजी किसान भाइयों के बहुत ही काम की है, क्योंकि जिस ट्रैक्टर में आपको ADDC नहीं मिलेगा उस ट्रैक्टर में आपको कौन सा भी काम करने में ज्यादा तकलीफ होने वाली है। चलिए बात करते हैं ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल की। ड्राफ्ट कंट्रोल होता है हमेशा ड्राइवर की साइड में और पोजीशन कंट्रोल बाजू वाले यानी टायर साइड में आता है। आप कौन सा भी उपकरण चला रहे हो, आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि ड्राफ्ट कंट्रोल से आप आपका इम्प्लीमेंट कितनी गहराई लेगा ये सेट कर सकते हो। साथ ही पोजीशन कंट्रोल से आप अपना इम्प्लीमेंट ऊपर या नीचे कर सकते हो। साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ड्राफ्ट कंट्रोल यानी आपके इम्प्लीमेंट की डेप्थ कैसे सेट करे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रैक्टर चालू करने के बाद ड्राफ्ट कंट्रोल को सबसे नीचे लाना है, पोजीशन कंट्रोल नीचे करके देखना है कि आपका ट्रैक्टर लोड ले पा रहा है या पीछे के पहिए स्लिप मार रहे हैं। अगर पीछे के पहिए स्लिप मार रहे हैं तो ड्राफ्ट थोड़ा सा कम करना है और देखना है कि इस ड्राफ्ट पर आपका ट्रैक्टर अच्छे से चल रहा है, और ये देखने के बाद आप वहां पर ड्राफ्ट कंट्रोल सेट कर दीजिए और पोजीशन कंट्रोल की मदद से अपना ट्रैक्टर चलाते रहिए। ये सबसे आसान तरीका है कि आपका ट्रैक्टर का इम्प्लीमेंट कितने ड्राफ्ट पर आसानी से चल सकता है या फिर आपका ट्रैक्टर वो वजन खींच सकता है।
अगर आप ट्रैक्टर रोड पर चला रहे हो तो आपके लीवर की सेटिंग्स क्या रहेगी और आप नॉर्मल खेती के लिए क्या रहेगी और ज्यादा डीप खेती के लिए कैसी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ट्रैक्टर रोड पर चला रहे हो तो आपका जो पोजीशन कंट्रोल का लीवर है वो ऊपरी तरफ रहेगा और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर नीचे की तरफ रहेगा। अगर आप खेत में प्लगिंग या फिर नॉर्मल खेती के कुछ काम कर रहे हो तो आपका जो ड्राफ्ट कंट्रोल है वो सेक्टर मार्क पे रहेगा, वहीं आपका पोजीशन कंट्रोल फास्टर रिस्पांस पे रहेगा। रिस्पांस यानी आपका इंप्लीमेंट कितनी जल्दी नीचे आएगा इसका स्पीड रहता है। शैलो कल्टीवेटिंग यानी ज्यादा डेप्थ में काम नहीं कर रहे हो तो आपका जो ड्राफ्ट कंट्रोल है वो सेक्टर मार्क के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वही पोजीशन कंट्रोल रिवर रिस्पांस सीमा पर रहेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा डेप्थ तक प्लगिंग करना चाहते हो तो आपका पोजीशन कंट्रोल रिवर रिस्पांस के ऊपर रहेगा। इस कंडीशन में आपका डेप्थ कंट्रोल लीवर सेक्टर मार्क पर या फिर उसके भी नीचे रहेगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी और आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, हमने तो ट्रांसपोर्ट लॉक, सिलेक्टिव कंट्रोल लॉक और MQRL के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम के पार्ट 2 में हम आपको ट्रांसपोर्ट लॉक, SCV और MQRL टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी देने वाले है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए खेती गाड़ी चैनल को, साथ ही घंटी का बटन भी जरूर दबाए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।